हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली डेटा एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश पे ट्रेडिंग व्यू पे, हिंदी में, यूट्यूब पे, दोनों लैंग्वेजेस में। आपको दोनों डुअल ऑडियो में आपको डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, इंडेक्स के बारे में नॉलेज, सब कुछ मैं आपको देता रहता हूँ। और कोई भी इशू और डाउट हो आपको तो मेरे टेलीग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम का। राइट, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। पहले हम कुछ लॉन्ग ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। चार लॉन्ग ट्रेड्स है मेरे पास, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है आपके लिए अच्छी दो शॉर्ट ट्रेड्स। बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रेड्स हैं और बहुत ही अच्छी लॉन्ग ट्रेड्स हैं मेरे पास। सो एज यू कैन सी राइट हियर, ये एक सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन का एक छोटी सी ऊपर जो ट्रेंड लाइन थी उसे ब्रेक डाउन दिया है इसने, ठीक है। ये जो लाइन थी हम बोल सकते हैं इसका एक ब्रेकआउट मिल चुका है। तीन ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक उसके ऊपर मिली है हम लोगों को। सो साइन बुलिश लग रहा है। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो ये वन ऑफ दो स्टॉक है जो आपको कैप्चर करना चाहिए। सेम वे में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एरिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार यहाँ पे हिट कर चुका है। सो प्रिटी गुड चांसेस कि ये इस बार इसको पार कर जाएगा और हायर लेवल्स पे जाएगा। वंस ये इसको पार करता है तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं इसको। सो 87.50 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। अगर ये इसको पार करता है, अगर ये इसको पार करता है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड इस पर आपको नजर रखनी है इस स्टॉक पे। सेकेंड स्टॉक विल बी फीनिक्स मिल्स। एज यू कैन सी राइट हेयर, ये इस पैटर्न के बारे में हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी मार्केट एनालिसिस वीडियोस में। स्टॉक फाइनली एक 200 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे है मेरे ख्याल से, या इट्स अ 200 डे कंसोलिडेशन जिसका ब्रेकआउट फाइनली दे रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार हिट कर चुका है और मैंने ट्रेड नियर द एंड ऑफ द डे ले ली थी, ठीक है, विद अ स्मॉल पोजिशन ऑफ कोर्स। तो मेरा सिर्फ 4% का स्टॉप लॉस है। अच्छा, स्टॉप लॉस ऑफ 4 to 5% एंड मेरा फर्स्ट टारगेट विल बी 6%, सेकेंड टारगेट विल बी 12%। लेवल सारे मैंने मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। करेंट मार्केट प्राइस से ही एंट्री बन सकती है। थोड़ा गैप अप होता है तो भी बन सकती है, थोड़ा गैप डाउन होता है तो भी बन सकती है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे अपने। जमुना ऑटो अपना 3% का टारगेट नंबर वन हिट कर चुका है। अपना SL 3% का था तो जो भी SL होता है वही अपना टारगेट होता है सबसे पहला। तो 3% का टारगेट हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट 6% का एंड थर्ड टारगेट 9% का भी रिमेनिंग है, ठीक है। थर्ड थर्ड स्टॉक विल बी रोलेक्स रिंग्स। एज यू कैन सी राइट हियर, इसने कितना ब्यूटीफुल एक सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन क्रिएट करा, फिर एक डिमांड जोन कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एंड उसी से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता है। देखो कितनी हैवी यहाँ पे कैंडल्स आती है, वी शेप रिकवरी आती है, स्टॉक नीचे आता है, यू शेप बनाता है, पूरा फॉल होता है बॉटम तक बट एक पिन बार बनाता है एंड उसके बाद जो है स्टॉक फिर से ऊपर निकलने लग जाता है। नॉट एग्जैक्टली अ पिन बार बट एक काइंड ऑफ बुलिश कैंडल बनाता है। फिलहाल मुझे दिख रहा है ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करा है हायर लो फॉर्मेशन करके एंड एक पॉसिबल ट्रेड है। अगर आप सिर्फ 4 to 5% का स्टॉप लॉस लेना पसंद करते हो, स्मॉल पोजीशन साइजिंग भी ले सकते हो या फिर वॉच भी कर सकते हो। ये कोई कॉल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा। राइट, नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। आगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5% का स्टॉप लॉस रख के 5% का टारगेट वन एंड 10% तक के दो टारगेट्स यहाँ पे अचीवेबल हैं इन रोलेक्स रिंग्स, ठीक है। तो ये अच्छी ट्रेड लग रही है। लेट्स सी कि किस तरीके से ये टर्न आउट होती है कल। SMC ग्लोबल हम लोग बात कर ही चुके हैं इस ट्रेड के बारे में, तो इस ट्रेड पे भी नजर रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ दो शॉर्ट ट्रेड्स। तो PVR आप देख सकते हो, PVR एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड लग रही है मुझे। मेजर ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे, अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई है, ऊपर एक इवनिंग स्टार पैटर्न टाइप का भी फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि यार पोजिशनल प्लेयर्स के लिए टारगेट 12% का रहेगा पहला और 7% का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इतनी बड़ी पोजिशन साइजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, आई नो, बट आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। राइट, ऑल्सो अगर आप लोगों को इंट्राडे शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं तो वेट फॉर सम पुल बैक या फिर आप एक प्राइस एक्शन क्रिएट करने दो स्टॉक को इन लेवल्स के नीचे, तब हम लोग जो है इंट्राडे पे 1% से लेके 2% तक, जब तक कि ये स्टॉक यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, इंट्राडे पे आप 1% और 2% इस स्टॉक से हर राइज पे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे हम। हर राइज को पोटेंशियली जब 15 मिनट, 5 मिनट का एक अच्छा पैटर्न दिखेगा, एक अच्छा आपको सप्लाई जोन मिलेगा, डबल टॉप बनेगा, तब हम उसको वहां पे 1% से 2% का टारगेट लेंगे। तब तक शॉर्ट करेंगे जब तक स्टॉक जो है 1488 नहीं आ जाता। अगर स्टॉक वापस ऊपर आ जाता है 1810 पे तो हम स्टॉक को लीव कर देंगे। राइट, सेम गोज फॉर टाटा स्टील। टाटा स्टील भी उन्हीं स्टॉक्स में से आता है जो कि हम लोग डेली शॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। एवरी राइज जो टाटा स्टील में होगा उस पर हम शॉर्ट करेंगे। 1% से 2% टारगेट हम टाटा स्टील में लेते रहेंगे जब तक कि टाटा स्टील कहाँ नहीं पहुंच जाता, जब तक कि ये वो 921 नहीं पहुंच जाता। तो इसके बीच में कितना पार्ट है आपके पास, 9% है। तो सोचो कि एक थोड़ा सा पुल बैक लेता है और फॉल करता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, फिर 2%, 3% फिर कैप्चर कर सकते हैं, फिर एक पुल बैक आएगा तो उस पुल बैक में फिर शॉर्ट करेंगे, फिर पुल बैक में फिर शॉर्ट करेंगे। तो 1 से 2% हर पुल बैक में हम इस तरीके से ले सकते हैं।
कब लेना है, कहाँ लेना है, कब एक्टिवेट होगा, सब टेलीग्राम में मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो, और मैं यहाँ पे बता दूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि गैप गैप डाउन होते रहते हैं, राइट। तो टेलीग्राम पे निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप यू एंजॉयड द वीडियो। इंग्लिश वीडियो जिसको इंग्लिश ऑडियो में चाहिए उन लोगों को मेरे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी इंग्लिश ऑडियो को, इंग्लिश ऑडियो की इस तरीके से मैं डेली डालता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ अमेजिंग ट्रेडिंग सेशन, एंड जो भी डाउट्स हो वो टेलीग्राम पे या तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा।